मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की तहसील जावरा जनपद के गांव बनीखेड़ी में बारिश के दौरान हालात यह हो गए हैं कि आने जाने का जो मार्ग था वह भी पूरी तरह से टूट गया है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विगत कुछ दिनों से बारिश में रोड पर कीचड़ जम गया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि रास्ता खराब होने से हर सुबह मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी भी गिर जाते हैं, वहीं कहीं आने जाने के लिए लोग गड्ढे में गिरने को मजबूर हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के किसी भी अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं वाहनों को भी नुकसान हुआ है। इस संबंध में ग्रामीणों ने संबंधित सरपंच व सचिव को मामले से अवगत कराया, लेकिन वह भी इस जगह को आकर देख कर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने निजी पैसों से उस रोड को बनवाया था, लेकिन शासन से उसका पैसा रिलीज नहीं हुआ, जिसके कारण वह आगे का कार्य नहीं करा पाए। कुल मिलाकर शासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कारण ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए विक्रम चंद्रवंशी की रिपोर्ट। क्या समस्या आपके गांव में कहां? यही समस्या सर, रोड की ट्रैक्टर फंस गया परसों शाम को। क्या समस्या? पूरे गाड़ी नहीं निकल रही है। आज पूरे गाँव के लोग यहाँ जमा हुए हैं, आखिर क्या समस्या है? समस्या यही, पूरे गाँव वाले को तकलीफ आ रही है। और क्या, किस चीज की तकलीफ आ रही है? ट्रैक्टर नहीं निकल रहा, मोटरसाइकिल नहीं निकल रही, पैदल जाने के रास्ता नहीं है तो कहाँ निकले? कितनी घटना दुर्घटना अब तक हो चुकी है? 2-3 दुर्घटना हो चुकी है यहाँ पे। आपने कोई शिकायत या आप लोगों द्वारा ग्राम में? हमने तो कई शिकायत नहीं की, मंत्री को बोला तो के पैसे नहीं, सरपंच को बोला तो के पैसे नहीं, मैं डलवा रहा हूँ तो डलवाए कब? अभी आप लोगों द्वारा ही बताया गया है कि यहाँ पे उन्होंने काम कराया 7.5 लाख रुपए का। हाँ, वो तो करवाया गया, दोनों ने मिलकर तरही करो, इधर उधर रोड करवाया गए 2 साल पहले तो के पैसे नहीं मिले हमारे को, अभी तक हमारे घर से करवाया तो वह भी घर से करवाया। क्या चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से याद है कि रोड क्लियर कराओ, 2 लाख क्या लगा दिया? 7.5 लाख के 2 लाख कतरा क्या लगाया वाला 2 साल पहला? गुजराती। क्या समस्या है तुम्हारे, कौन से गांव में रहते हो? सर बानीखेड़ी, ग्राम पंचायत मीनाखेड़ा लगती है। समस्या क्या है तुम्हारी? रोड की समस्या है सर, और कुएं की समस्या है, और क्रिकेट मैदान की समस्या है। क्या समस्या है रोड की? रोड की समस्या है सर, ये रोड बहुत खराब हो रहा है सर, ये 3 दिन से पुलिया टूटी हुई है यहाँ पर सर, आने जाने में परेशानी होती है। हमारा मेन रास्ता खेत कुएं पे जाने का यही रास्ता है सर। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित ग्राम पंचायत को या संबंधित अधिकारी को की? सर की थी सर। क्या आश्वासन दिया गया सर? किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया सर। क्या बोलते हैं सब? बोलते हैं इस रोड पे, सरपंच साहब बोलते हैं इस रोड पे हमने 7.5 लाख रुपए का खर्च किया है, जिसने शासन अभी तक हमको दिया नहीं है, और ये मैंने घर से किया है। आप लोग आप अभी आप बता रहे थे कि आपने जेब से ये सब काम करवाया, क्या करवाया? करवाया सर ये यहाँ आलू किया सर, ये वाला हमने 2-4 डंपर डलवाए सिर्फ इस रोड पे अभी तक। क्या कहना पड़ता है उनका? उनका कहना पड़ता है कि शासन ने अभी तक पैसों का भुगतान नहीं किया है हमें, और हमने 7.5 लाख रुपए जेब से लगाए, मतलब घर से लगाए हैं। कौन कहता है सर? सरपंच साहब बोलते हैं। चौधरी, क्या समस्या है तुम्हारे गाँव में? कहाँ रहते हो? मैं यही रहता हूँ बानीखेड़ी। समस्या ये है कि मेरे पिताजी रोज 4 बजे मंदिर पर आरती करने जाते हैं, रोज का डेली आना जाना रहता है, तो वो सुबह भी गिर गए आज नीचे यहाँ पे, और रोड बहुत ही ख़राब हो रहा है आगे तक, पूरे पुलिया उलिया सब टूट गई है, और यहाँ ये लोगों ने डाले पत्थर वत्थर सब जो भी है, सरपंच मंत्री कोई नहीं आया, यहाँ आके देख के चले गए, कोई जवाब भी नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई 1-2 टाले डाल दे या थोड़ा निकलने जैसा रास्ता कर दे। देखने में आया कि यहाँ पाइप डाले हुए हैं। हाँ, तो पाइप भी अलग है, तो खाली बस वो पाइप इकट्ठे करके चले गए एक जगह, मतलब रास्ते पर कहीं मोरम नहीं डाला उनने। कितनी घटना दुर्घटना अभी तक हो चुकी है? अभी 8-10 लोग गिर गए यहाँ अभी तक, 2-4 दिन में, अभी 3 दिन हो गए इस बात को, अभी तक कहीं सुनवाई नहीं कर रहे वो। क्या आश्वासन देते हैं सरपंच सचिव? आपने जनपद या वहाँ जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने सरपंच और मंत्री साहब को इनको बताया, और क्या उससे आगे कहीं शिकायत करने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, अभी मैंने तो नहीं की आगे कोशिश। क्या चाहते हैं आप सरकार से? ये चाहते हैं कि रोड सही हो जाए, और क्या चाहें।